नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिकेट केसरी में। मैं हूं आपके साथ प्रवीण यादव। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच आज 3 वनडे मैच की सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला खेला जा रहा है। सीरीज में अभी दोनों टीमें एक एक मैच जीती हैं। साउथ अफ्रीका ने पहला मुकाबला इंग्लैंड को 62 रन से हराया था, वहीं दूसरे मैच में इंग्लैंड ने वापसी करते हुए साउथ अफ्रीका को 118 रन से करारी मात दी थी। तीसरा मुकाबला हेडिंगले क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है, जहां साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। दोनों टीमों ने प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया और पिछले मैच की ही प्लेइंग 11 के साथ उतरे। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने आई साउथ अफ्रीका ने धीमी शुरुआत की। पारी का 5वां ओवर में जाने मन मलान ने रीस टॉपली के ओवर में 2 चौके लगाए और स्कोर को 5 ओवर में 24 रन किया। इसके बाद छठा ओवर डालने आए डेविड विली ने पहली ही गेंद पर मलान को बैकवर्ड पॉइंट पर जेसन रॉय के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद बैटिंग करने आए वंडर डूसन ने डीकॉक के साथ मिलकर 50 रन की साझेदारी की। दोनों ने तेजी से रन बनाए और 8वें ओवर में विली के 1 ओवर में 13 रन बटोरे और पहले पावर प्ले समाप्त होने तक टीम का स्कोर 60 रन तक पहुंचाया। डीकॉक शानदार टच में दिख रहे हैं और अभी तक 8 चौके की मदद से 53 रन बना चुके हैं। वहीं डूसन ने उनका अच्छा साथ देते हुए 23 रन बनाकर खेल रहे हैं। साउथ अफ्रीका 15 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 92 रन पर खेल रही है। दोनों टीमें आज का मैच जीतकर सीरीज को अपने नाम करना चाहेंगी। इंग्लैंड जॉस बटलर की कप्तानी में भारत से T20 सीरीज और वनडे सीरीज हार चुकी है। बटलर चाहेंगे कि उनकी कप्तानी में इंग्लैंड को पहली सीरीज जिताए। वहीं केशव महाराज भी पिछले मैच में शर्मनाक हार का बदला लेना चाहेंगे। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी। धन्यवाद।